फिर से लोकसभा सेक्रेटरी के द्वारा बहाल कर दी गई है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जश्न के मूड में मनाए जश्न। देखिए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, उसका इंतजार करना चाहिए। और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई, फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वॉज नॉट इन ए गुड टेस्ट, इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की राहुल गांधी के बारे में। तो सही था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, तब इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जिस मोदी सरनेम की वजह से उनकी सदस्यता गई थी, इस मामले में आपने भी पटना में कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दायर कर रखा था। मैंने कहा ना कि मामला खत्म थोड़ी हुआ है, केवल 2 वर्ष की जो सजा दी गई थी उस अवधि पर रोक लगा दिया, तो उतनी बार राहत उनको मिली है, लेकिन वो दोष मुक्त नहीं थी। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है, ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था, उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है।